फीलिंग राइट, फीलिंग राइट। जब तक अच्छे की अनुभूति ना हो तब तक लगे रहो, जब तक अच्छे की अनुभूति ना हो, अच्छे की भावना मन में ना आए तब तक लगे रहो। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आज के साइको एजुकेशनल वीडियो टिप्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी के द्वारा मानसिक परेशानियों से निपटना हुआ है आसान। आज मानसिक परेशानियों से जूझ रहे इंसानों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर के आई है। आज का वीडियो ऑनलाइन काउंसलिंग मेंटल हेल्थ सीरीज का ही हिस्सा है। आज ओसीडी की बात करते हैं। हमेशा ओसीडी के विषय में आप नए नए वीडियोस देखते हैं, आज कुछ स्पेशल ओसीडी के बारे में जान लीजिए कि ओसीडी पेशेंट एक राइट फीलिंग के ऊपर काम करते हैं। जब तक उनको फीलिंग राइट ना आए कि वो ठीक हैं, बस ठीक हो गया, ठीक वाली फीलिंग मन में ना आए तब तक वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसको हाथ धोने की आदत है, जो हाथ बार बार धोता है, जो एक पैटर्न के थ्रू धोते हैं, 10 15 20 बार हाथ धोने की आदत है, आधा आधा घंटा हाथ धोते हैं, नहाते हैं, सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब तक वो करना बंद नहीं करते, जब तक उन्हें फीलिंग राइट की अनुभूति ना हो, जब तक उन्हें ना लगे कि अब ठीक हो गया, एक बार करने के बाद उन्हें फीलिंग राइट नहीं आती है, ऐसे ओसीडी के जो शिकार हैं वो अपनी मेमोरी पर भरोसा नहीं करते हैं, वो मेमोरी के ऊपर डाउट करते हैं कि एक बार कर लिया काम हुआ नहीं है। उनको हमेशा अपनी मेमोरी के ऊपर शक रहता है कि उनकी याददाश्त अच्छी नहीं है, उन्होंने जो कर लिया वो भूल तो नहीं गए हैं, कहीं अच्छे से हुआ तो नहीं है, ये मन में डाउट चलता रहता है और उन्हें फीलिंग राइट होती नहीं है। इसी फीलिंग राइट को लेने के लिए बार बार करते हैं, बार बार करते जाते हैं, उन्हें अपनी सेंसेशन के ऊपर भरोसा नहीं होता है। जब एक बार हाथ धोए जाते हैं तो चमड़ी से जो सेंस महसूस होती है, पूरी 500 ज्ञान इंद्रियों से जो सेंसेशन महसूस होती है, लेकिन वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, सेंसेशन को वो छोड़ देते हैं, वो फीलिंग राइट को पकड़ लेते हैं। जब तक उन्हें फीलिंग राइट की अनुभूति ना हो, जब तक उन्हें अच्छा ना लगे कि हमने हाँ अब कर दिया, अब थोड़ी सी तसल्ली जब तक ना हो, तसल्ली के ऊपर काम करते हैं, फीलिंग राइट तसल्ली के ऊपर काम करते हैं। जब तक मन में तसल्ली ना हो जाए, 3 4 5 कितनी भी बार करके, तब तक वो करना बंद करते नहीं हैं। तो ये फीलिंग राइट उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि एक बार किया तो उन्हें फीलिंग राइट या तसल्ली नहीं हुई तो उन्हें दोबारा करना पड़ता है, दो बार करने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई, मन में संतुष्टि नहीं हुई, फीलिंग राइट नहीं आई तो तीसरी बार करेंगे। ऐसे करते करते वो क्रम बढ़ाते रहते हैं, कभी नया पैटर्न सेट कर लेते हैं, कभी 5 बार का सेट करते हैं, कभी शुभ अशुभ के चक्कर में फंस जाते हैं, कभी इवन ओड के चक्कर में फंस जाते हैं, कभी जोड़े बनाने के चक्कर में फंस जाते हैं, पता नहीं कितनी तरह के वो इंतजाम करते हैं फीलिंग राइट लेने के लिए, तसल्ली लेने के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन ये मन की संतुष्टि उनकी झूठी होती है, ये मन की तसल्ली सच्ची नहीं होती है, ये उनकी फीलिंग राइट रियल नहीं होती है, और इसी चक्कर में वो ओसीडी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार फीलिंग राइट अनुभव नहीं होता है, कभी होता है फिर उसे बढ़ाना पड़ता है, फिर तसल्ली नहीं होती है, फिर से चक्कर चलाना पड़ता है। तो ये चक्कर जाल है ओसीडी का, जिसके अंदर ओसीडी से ग्रसित पेशेंट फंस जाते हैं। तो ये कैसे टूटता है चक्कर, कैसे फीलिंग राइट वाला ये चक्कर, कैसे ये तसल्ली वाला चक्कर, कैसे ये संतुष्टि वाला चक्कर टूटता है, ये चक्कर तोड़ने के लिए सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सीबीटी में इस चक्कर को बखूबी तोड़ दिया जाता है। आज का वीडियो इस सीबीटी के विषय में नहीं है, एक वीडियो ऐसा मैं बनाने जा रहा हूँ आने वाले दिनों में कि इस पूरे चक्कर को तोड़ना आपको सिखा दूँ कि इस चक्कर को तोड़ना कैसे है, ओसीडी के सर्कल, ओसीडी के चक्कर को तोड़ना कैसे है, वो सीबीटी का एक फुल डिटेल वीडियो मैं आने वाले दिनों में बनाने जा रहा हूँ। अगर आप तोड़ना चाहते हैं ये सीबीटी के द्वारा ये ओसीडी का चक्कर, तो आप मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी ले सकते हैं। इस चक्कर को तोड़ने के लिए हेल्पफुल थेरेपीज है सीडीटी, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, इसके साथ साथ डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जिसमें माइंडफुलनेस अवेयरनेस की कुछ टेक्निक्स आती हैं, और माइंडफुलनेस नर्लिंग द पावर ऑफ नाउ, जिसमें मन को वर्तमान में तसल्ली, वर्तमान में, बाद में तसल्ली नहीं है,
पहले भी तसल्ली नहीं है, तसल्ली संतुष्टि है वर्तमान में। तो इस वर्तमान में तसल्ली को कैसे अनुभव किया जाए, ये द पावर ऑफ नाउ में हम जानते हैं। इसके साथ साथ गीता थेरेपी, वर्तमान के बाद, वर्तमान के बाद भी कुछ है। जी हाँ, फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में हमें रहना नहीं है, हमें सिर्फ वर्तमान को बेस्ट बनाना है, क्योंकि फ्यूचर जब आएगा वर्तमान बनकर आएगा। तो द पावर ऑफ नाउ के साथ साथ गीता थेरेपी हमें इन चक्कर, इन बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का सरल मार्ग बताती है। कैसे दृष्टा बनकर इस चक्कर को देखें, कैसे जो फीलिंग्स हैं, जो सेंसेशंस हैं, जो मेमोरी है, वो मात्र एक मेमोरी है। इस मेमोरी के चक्कर से कैसे छूटें, इस OCD के चक्कर से कैसे छूटें, ये गीता थेरेपी में बखूबी श्री कृष्णा ने बताया हुआ है। तो गीता थेरेपी का हम सहारा ले सकते हैं। चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे OCD के बारे में बताना। अगर आप मुझे इस चक्कर OCD के बारे में बताते हैं तो इस कुचक्कर से मुक्ति दिलाना मेरा कर्तव्य है। आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर अपने मित्र, बंधु, दोस्त, रिश्तेदारों तक शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करवाते हैं चैनल को। इनके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ।